कोई हमसी वाड़ आ जाए पीपा के, फिर क्या करो? नहीं, हम लठो पेल रहे हैं वापिस, लठो पेल। हाँ जी, इज्जत से आप तेरी इज्जत करेंगे। हाँ। दारू के नाम से लठ रखा। ये देख लो भाइयों, ये नीचे ये भी ग्रेन आईडी है क्या? नहीं, आप देख लो ये ऊपर से, आप देख लो, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है ये, गजब। ये इधर इन्होंने इसमें आज से 5 साल पहले खरीदी थी, पुरानी ली थी? नहीं नहीं ली थी, नहीं ली थी। हाँ, अच्छा, लड़के ने दिलाई? लड़के ने दिलाई। आप चला लेते हो इसको? नहीं, ड्राइवर लेके जाम। इसकी वोट बैंक 60 या 65 है सारी, मतलब टोटल आबादी इतनी है, टोटल आबादी 60-65 लोग है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आया हूं दुनिया के सबसे छोटे गांव सकरुल्लापुर में, जो कि जिला सहारनपुर सरसावा से 4 किलोमीटर दूर पड़ता है, ठीक है जी, चौधरी ओमपाल सिंह जी के मकान पर। ओमपाल सिंह जी का जो ये मकान है, पूरे गांव में छोटा सा गांव है, लेकिन इस पूरे गांव में, पूरे गमांड में इनसे शानदार मकान नहीं है। और ओमपाल जी के पास मात्र 25 बीघे ज़मीन थी जो दादा लाई थी, इनके लड़के राहुल चौधरी ने इतनी तरक्की करी, आज 75 बीघे इन्होंने ज़मीन कर ली है और मकान बनाया है 60 लाख रुपए लगाकर। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये इनके पास सफारी गाड़ी है, सामने ये कौन सी है, BMW है, और ये इनके यहाँ पर बुलेट वगैरह खड़ी हुई है। इस भाई ने काफ़ी तरक्की की है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ओमपाल सिंह जी का और जो उनके पुत्र है राहुल चौधरी का, उन्होंने ये मकान बनाया है। राहुल चौधरी विदेश में जॉब करते हैं, जॉर्जिया में, ठीक है जी। और ये देख लो, इनके पास ये गाड़ी है, और ये देख लो आप, ये BMW है, ठीक है जी। और ये इनका शानदार मकान है, 60 लाख रुपए की लागत से ये शानदार मकान इन्होंने बनाया है, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। और तो चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं पहले वीडियो बनाने से पहले इस मकान में पूरा घूम चुका हूं भाइयों, पूरा जन्नत है ये मकान, किसी जन्नत से कम नहीं है। और यहां आने का मेरा एक और भी मकसद था, जो ओमपाल सिंह जी के पुत्र हैं राहुल चौधरी, उन्होंने बहुत ही तरक्की की है और गांव से जुड़े हुए हैं। अगर वो चाहते तो यहाँ की सारी ज़मीन वगैरह बेच करके जॉर्जिया चले जाते अपने माता पिता को लेकर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 50-60 बीघे ज़मीन खरीदी, अपने बड़ों की ज़मीन को भी बढ़ाया और ये मकान भी यहाँ पर उन्होंने बनाया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उनके पिताजी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आप हमें अपने बारे में, पिताजी के बारे में और गांव के बारे में बताइए। मेरा नाम ओमपाल सिंह है। अच्छा, मेरे पिताजी का नाम सुंदर सिंह है जी। और जी, ये मेरे पीछे बच्चे खड़े हैं। अच्छा, मेरे आपका परिवार? हाँ, है मेरा परिवार। अच्छा, आप कितने भाई थे? हम 3 भाई हैं। 3 भाई है। अच्छा ओमपाल जी, जब आपके पिताजी अभी हैं? नहीं, मेरे पिताजी की डेथ हो गई। अच्छा, जब वो गुजरे तो आपके हिस्से में जमीन कितनी आई थी? मेरे बंटे में 25 बीघे जमीन आई थी। 25 बीघे जी। अभी कितनी है पास? अब जमीन 75 बीघे है। 75 बीघे। हाँ। तो 25 मतलब 50 बीघे खरीदी। हाँ जी। आपने खरीदी या लड़के ने? लड़के ने खरीदी। लड़के ने? हाँ जी। राहुल चौधरी आपके लड़के का नाम? राहुल मेरा लड़का है, एक ही लड़का है, राहुल है। अच्छा, चलिए आपके परिवार के बारे में तो बात कर लेंगे। और हमने सुना है ये दुनिया का सबसे छोटा गाँव है। हाँ, सबसे छोटा गाँव है। वोट बैंक क्या है इसका? इसकी वोट बैंक 60 या 65 है सारी, मतलब टोटल आबादी इतनी है। टोटल आबादी 60-65 लोग है। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। मतलब आपकी बड़े आए होंगे? हाँ, मेरे बड़े बाबा आए थे। अच्छा, एक ही बाबा की औलाद है। एक ही बाबा की औलाद। हाँ, है। और बताओ इस गांव के बारे में। और इस गांव में एक मंदिर है कबीर साहब का। अच्छा, जो कि इलाके में सबसे बड़ा है। सबसे इलाके में बड़े होशियार आदमी है, बड़े विद्वान। आप अपने पिताजी के बारे में बता रहे थे? मेरे पिताजी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर थे। अच्छा अच्छा, इलाके में खूब उनकी आप एड थी, चले थी। अच्छा अच्छा, और मेरे बाबा जी भी इलाके के हेड थे। अच्छा, और कुछ गांव के बारे में बताना चाहें? गांव में सब जितने भी आप घर हैं, मतलब जितने आदमियों के। हाँ। सबके बच्चे सर्विस में हैं, सब पढ़े लिखे हैं। अच्छा, मतलब शिक्षा के प्रति पूरा मतलब है। शिक्षा हर घर में संपन्न है, हर लड़की BA MA है। हाँ। और हर लड़का सर्विस पे है। हर लड़का सर्विस पे है। जिसके दो लड़के हैं तो दोनों सर्विस पे हैं, एक है तो एक सर्विस पे, सबके बच्चे सर्विस पे। मतलब सब बाहर भेज रखे हैं? सब बाहर सर्विस करते हैं। अच्छा, तो आपने भी अपना लड़का जॉर्जिया भेज दिया? मेरा लड़का भी जॉर्जिया गया हुआ है। अच्छा, विदेश गया। चलिए आपसे बातें भी करते रहेंगे। और पहले, सबसे पहले आप अपना हमें मकान घुमाइए, ठीक है जी। पहले आप ये बताओ, ये कब खरीदी? ये आज से 5 साल पहले खरीदी थी। पुरानी ली थी? नहीं नहीं ली थी। नहीं ली थी। हाँ। अच्छा, लड़के ने दिलाई? लड़के ने दिलाई। आप चला लेते हो इसको? नहीं, ड्राइवर लेके जाम। ड्राइवर लेके जाम। हाँ। अच्छा, और ये?
ये भी लड़के ने खरीद दी थी। तो दो दो की क्या जरूरत पड़ गई चौधरी साहब? लड़का बोला अगर लंबे रूट पे जाओगे तो उसमें एवरेज कम दे, फ्रिज में जाओगे। अच्छा, थोड़े रूट पे जाना सफारी में जाओगे, थोड़े रूट पे जाना सफारी ले जाओ, लंबे रूट वो थोड़े रूट के लिए इसे ले जाओ, इसका एवरेज कम है ना। हाँ, लिए अब हमें अपना घर घुमाइए, चलते चलते बातें भी करेंगे आपसे। देख तो ली, देख ली। अब हमें आप ये बताइए ओमपाल जी, जी कितने एरिया में घर है आपका? ये डेढ़ बीघे में मकान है हमारा। डेढ़ बीघे में? ये देख लो भाइयों, यहाँ से स्टार्ट हो गया। पत्थर भी विदेश से लाए थे कि यहीं का है? पत्थर यहीं का है, लड़का कहा था वहाँ से भेजूंगा, मैंने मना कर दिया था, यहीं से ले लेंगे। अच्छा अच्छा, ये देख लो भाइयों, ये हम एंट्री कर चुके हैं इनके मकान, बहुत ही सुंदर मकान बनाया है। ये देख लो, ये टाइल है या पीवीसी पैनल है? ये टाइल है। टाइल है, देख लो भाइयों, यहाँ पर इन्होंने फ्रंट पे जो लगाई हुई है ये टाइल लगाई हुई है। ठीक है, वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें, पूरी वीडियो बनाएंगे आराम से। और ये देखो इन्होंने कितना बढ़िया जुगाड़ लगाया है, ये पानी का है। ठीक है, कुछ गांव वाले लोग क्या करते हैं इसमें पन्नी बांध देते हैं या वो कट्टा बांध देते हैं, ये बढ़िया जुगाड़ है इनका। देख लो, इससे क्या है ना, पानी बहता नहीं है, ठीक है, और सांप वगैरह नहीं बढ़ते। ठीक है जी, ये आप देख लो, ये इनका यहाँ पर आप देख लो, ये गैलरी है, बहुत ही बेहतरीन जी, बहुत ही बढ़िया। ये देख लो, और चौधरी साहब हमारे खुश मिजाज है पूरे। ठीक है जी, और ये देख लो, ये लगाए हुए हैं इन्होंने टाइल, बहुत ही बेहतरीन, गजब हो गया जी। ये देख लो भाइयों, और ये आ गई बैठक, बहुत ही बढ़िया। सामने आप देख रहे हैं उस पर टाइल लगी हुई है, इस पर सिंपल पेंट किया हुआ है। और इधर से आप देख लो, और ऊपर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो, ये POP वर्क है। ठीक है जी, और ये यहाँ पर इन्होंने विंडो लगाई, और विंडो में लगाया है मिरर। ठीक है जी, इधर से देख लो भाइयों, और ये देख लो गेट, गेट कितना ज़बरदस्त है। ये कौन सी लकड़ी है चौधरी साहब? ये उसकी है, प्लाई पे सनमाई का लगवा रखी। अच्छा, प्लाई में सनमाई का लगवा रखी। ये देख लो जी, बहुत बढ़िया जी। चलिए, टोटल कमरे कितने चौधरी साहब? टोटल तो कमरे दो तो ये हैं, ये गैलरी है, ग्वाल ऑफिस है, आगे एक स्टोर है, बहुत बड़ा कमरा। अच्छा अच्छा, आगे ऊपर कमरा। ये क्या खाट है क्या? ये बेड है। अच्छा, बहुत पुराने बेड है ये तो। यो पलंग है, वो बेड है, पुराने जमाने का। बहुत पुराने मतलब पिताजी के जमाने का बेड है ये। वो पिछली तरफ मेरी शादी का बेड है। अच्छा, वो आपकी शादी का बेड है? हां, पैसे देते। अच्छा अच्छा, पैसे देते। आ जाओ, ठीक है। और ये और सर, हाँ चौधरी साहब, एक बात तो हम आपसे पूछने भूल गए। हाँ जी, परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? सारे कुल टोटल? टोटल तीन तो भाई हैं, और बड़े भाई का तीन लड़के हैं थे, एक गुजर गया, दो लड़के नहीं। अब आप अभी आपके परिवार में अकेले? आपके परिवार में अकेले परिवार? हाँ, तो अकेले परिवार एक लड़का है। हाँ जी, और जी लड़के की बहू है। हाँ, और एक पोता है। हाँ, दूसरा पोता होने वाला है। और तीन लड़की, तीन लड़कियां भी थी मेरे, और दो घर वाली है। हाँ जी। अच्छा जी, एक से दो लड़कियां हैं, एक से एक लड़का लड़की है। अच्छा, मतलब दो घर वाली है। हाँ, दूसरी शादी क्यों करनी पड़ गई चौधरी? लड़का नहीं था, बुढ़ापे में कौन रोटी देता। अच्छा, भाई नौकर लगा लेते और बच्चे थे। अच्छा जी, मेरे गांव से ये जो सरसावा पड़ता है कम से कम 100 किलोमीटर है, इसी वजह से हम इतनी दूर वीडियो बनाने आए। और जो हमारे राहुल चौधरी हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया था, वो जॉर्जिया में रहते हैं। हेलो विकास भाई, आप हमारे गाँव की घर की वीडियो बनाओ। और उनको क्या है ना, चौधरी साहब को, राहुल चौधरी जो जॉर्जिया में रहते हैं, उनको अपने घर से बहुत ही लगाव है, अपने गांव से। चलिए, बातें तो आपसे करते रहेंगे। ये देख लो भाइयों, अब चलते हैं हम आपको अंदर लेकर। ये देख लो, ये यहाँ पर इन्होंने वुड वर्क किया हुआ है, आप देख लो, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, और ये नीचे देख लो आप। ठीक है, ये चारपाई है, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसान के घर में कितना भी बड़ा किसान हो जाए, फॉर्चूनर भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, BMW भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लो, चारपाई आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि किसान कितना बड़ा हो जाए अपना कल्चर नहीं छोड़ता। ठीक है जी, और ये देख लो, ये इन्होंने बहुत ही बेहतरीन सजाया हुआ भाइयों, ये इनका ड्राइंग रूम है, आप देख लो, ये ऊपर से आप देख लो, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, ये गजब। ये इधर इन्होंने इसमें टाइल लगाई हुई है, सामने AC, और ऊपर है ये जो PVC पैनल का वर्क है, और बहुत ही बेहतरीन वर्क लग रहा है, ये देख लो आप। ठीक है जी, और इधर आप देख लो। ठीक है, और नीचे देख लो, नीचे तो ये अपना टाइल लगा हुआ है, ब्लैक ग्रेनाइट है। अच्छा, ग्रेनाइट है, ये देख लो, नीचे ग्रेनाइट लगा हुआ है भाइयों।
ठीक है, ये सोफे वगैरह हैं और इनका पूरा परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है, और सामने भी ये पीवीसी वर्क है, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए इधर देखते हैं सर, लाइट चला दूँगा। ये देख लो, एक कमरा ये है इनका, ठीक है जी, बहुत ही बेहतरीन। और ये क्या है? बाथरूम। अच्छा, ये बाथरूम है, इसे भी दिखाओ। अच्छा, ये अटैच बाथरूम है, ये देख लो भाई, ये कमरे से अटैच लैटरिन बाथरूम है। ठीक है, कोई गेस्ट आए तो अपना इसी में सारा काम निपटा लो भाई अपना। ठीक है जी, ये देख लो बेहतरीन, ये देख लो पीवीसी का काम इसमें हुआ है, बहुत ही बेहतरीन भाई। ये देख लो, आपको लगेगा नहीं किसी गाँव में हो आप, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया जी। चलिए अब ऊपर चलते हैं। अच्छा सर, हमें आप ये बताइए, एरिया कितना बताया था आपने? डेढ़ बीघा। डेढ़ बीघा, अब कितना पैसा लग गया होगा बताना? भाई विकास, पैसा नहीं पूछो, पैसा ना पूछे ना। हमारा काम क्या है ना चौधरी साहब, पैसा इस वजह से पूछते हैं, ये नहीं कि हम ये मतलब यहाँ इनकम टैक्स वाले भेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा इस वजह से पूछते हैं, जो हमारे किसान भाई वीडियो देखते हैं ना, उनको एक आइडिया लग जाता है मकान में कितने पैसे लगता है। तो अब बता दो कितना लगा? 50 लाख रुपये। 50 लाख रुपये, कब बनाया था मकान? डेढ़ साल पहले। डेढ़ साल पहले 50 लाख जी, अभी तो बहुत महंगाई होगी। अब तो डेढ़ का 2 साल पहले बना, 2 साल पहले, अब इतनी महंगाई होगी, अब बनाते तो 10-20 लाख और बढ़ जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, आर्किटेक्ट की मदद ली थी अपने दिमाग है? अपने दिमाग, अपने दिमाग से। ये देख लो भाई, अब मैं बाहर से आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो यहाँ से कितना बेहतरीन लगता है। डेढ़ बीघा एरिया है, और चौधरी साहब जानवरों के बहुत शौकीन, इनके पास बत्तख भी है, तोता भी है, सारी चीज़ें, वो भी आपको दिखाएंगे। ये देख लो, ये जो इसका ये पिलर है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, आप इधर से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर जो इन्होंने करवाया है, ये टीन शेड, ये टीन शेड क्यों डलवा दिया? ये मकान में बूंदने लगे, परेशानी ना हो, चला भी ना हो। अच्छा अच्छा अच्छा, मकान को में हाँ, दिक्कत ना आए। हाँ, ये देख लो, इन्होंने टीन शेड डलवाया पूरा मकान के ऊपर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ना आए मकान में। ठीक है जी, चलिए ऊपर चलते हैं, बाद में आपका पशुधन देखेंगे। और ये देख लो तुलसी लिंक, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, गजब। ये जमीन मोल ली थी कि अपनी है? खेत की है, घर की। अच्छा, अपना चक ये पीछे ही है क्या? हाँ जी, अपना चक पीछे ही है सारा। अच्छा, ये देख लो भाई, ये यहाँ से इनका पूरा व्यू दिखा देता हूँ आपको। नमस्ते नमस्ते, ये देख लो, और ये इधर इनका पशुओं का है, वो बन रहा है इनका डोगी, और ये है इनकी बत्तख, इनको भी दिखाऊंगा, तोते भी हैं इनके पास। ठीक है, और ये पीछे जो है इनका चक है, कितने बीघा का चक है ओमपाल जी? 55 बीघा का एक चक है। हाँ जी, आप तो मौज ले रहे, बस एक बार नाली खोल दिया छुट्टी रात को है। ये देख लो, चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ से देख लो, ये आ गया भैया इनका बाथरूम ऊपर। हाँ, बहुत ही बढ़िया जी, बेहतरीन। और ये नीचे देख लो, ये टाइल लगाई हुई है इन्होंने, बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी, और ये इनका जिन्ना देख लो। ठीक है, और ऊपर हम आपको लेके चलेंगे, कभी आप ये बोलोगे दुनिया का सबसे छोटा गांव बता दिया, वाकई में दुनिया का सबसे छोटा गांव है, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। ये देख लो, यहाँ पर वॉश बेसिन है, और जी रसोई घर, ये देख लो भाई। ठीक है, ये देख लो, अगर कोई बनवाना चाहता है तो इससे आप आइडिया ले सकते हैं। ये नीचे देख लो रैंक वगैरह, और इधर ये टाइली है जो आप सामने देख सकते हैं, और इधर गणपति जी की मूर्ति लगी हुई है, और ये जो चूल्हा है ये उसके लिए है, भाप वगैरह बाहर चली जाती। चलो जी, ये इनका गेट देख लो कितना बेहतरीन है। अब आ गए हम ऊपर, ये देख लो भाइयों, ये नीचे ये भी ग्रेनाइट है क्या? नहीं, टाइल है। अच्छा, ये देख लो भाई, ये टाइल है, आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन। ये फ्रीज है इधर, और एसी भी दो हैं भाई चौधरी साहब के पास? नहीं, तीन है। तीन है? हाँ जी। अच्छा, तीन है लो भाई, तीन है। अच्छा, खेती कौन संभाल रहा है यहाँ? मेरा भतीजा संभाल रहा है। आपने कहा, आप क्या करो फिर? कुछ नहीं, ठल ली, बिल्कुल ठल ली, भतरा कमा, थक गया तो मैं, थक गया। हाँ, सारी देख रहे कोई करे। अच्छा, तो फिर अब आप भजन कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, नशा पत्ती कौन कौन करे घर में? घर में कोई नहीं करता नशे वाला, हमारे परिवार गाँव में भी कोई नहीं है। अच्छा, हमारा रिश्तेदार भी कोई नहीं है ना, लड़की ऐसी जगह भी आई जो दारू पीता हो या नशे करता। अच्छा, कोई हमसी वाला आ जाए पी पा के फिर क्या करो? नहीं, हम लठो पेल रहे हैं वापिस, लठो पेल। हाँ जी, इज्जत से आप तेरी इज्जत करेंगे, दारू के नाम से लठ रखे। अच्छा, मतलब नशे के प्रति वो है बिल्कुल। हाँ जी, और जी हम राधा स्वामी वैसे हैं, शुरू से राधा स्वामी, राधा स्वामी इसे यहाँ रखो बस। ठीक है, शुरू से राधा स्वामी है, राधा स्वामी है। हाँ ठीक है,
कोई परिवार में अगर कर दे गड़बड़ कभी, कोई नहीं करता। अच्छा, फिर इलाज कर दो उसका। हाँ जी, करी नहीं किसी ने, जो पता ये दारू कितना, दारू पीने वाला हमारा कोई रिश्तेदार है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया जी। ये देख लो भाइयों, ये पीवीसी पैनल है, आजकल ये भी ट्रेंड में चल रहे हैं भाइयों, पीवीसी पैनल आप देख लो, और अच्छा लगता है इनसे मकान। ये देख लो आप, टाइल वीएस पीवीसी पैनल अगर कंपैरिजन करोगे आप, मेरे हिसाब से पीवीसी पैनल बढ़िया लगते हैं देखने में। ये फ्रिज है हमारी, ये फ्रिज है, और ये झूला है भाई, ये देख लो, और ये ऊपर से देख लो, जो इन्होंने ये पीवीसी पैनल वालों ने भी जो काम किया ना, काबिले तारीफ है। किसने लगाया था, मिस्त्री का नाम क्या है बता दो, अच्छा लगेगा। कहाँ से आए थे जी मिस्त्री? कहाँ से आए थे? बस मेरा भतीजा लाया था, नाम मुझे पता। बहुत ही बढ़िया काम किया है उन्होंने, ये देख लो, बहुत ही बेहतरीन डिजाइनिंग है भाई, आप देख सकते हैं। लड़के ने भेजे थे आधा ऐसे डिजाइन के। अच्छा, ये देख लो, बहुत ही गजब डिजाइनिंग है पीवीसी पैनल के। हमने काफ़ी वीडियो बनाई कोठी की, घरों की, पर ये डिजाइन अलग है कुछ, आप देख सकते हैं। हाँ, ये फॉरेन डिजाइन है भाइयों, बेहतरीन। और ये आगे ये लोबी आ गई, ठीक है जी, ये देख लो, और ये लाइट है ठीक, और ये देखो ये लगा हुआ है यहाँ पर, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है जी। और वो जो गाड़ी है ना, मुझसे मिस्टेक हो गई थी, वो BMW नहीं है, मर्सरीज है, मेरे पता कहना भी नहीं आ रहा, मर्सरीज है भाई ये। और एक सफारी, और ये एक सफारी है ठीक है, और वो हम गरीबों की है, ठीक है जी। और ये देख लो, ऊपर से दिखाएंगे गांव, यहाँ से नहीं, ठीक है, ये देख लो अभी वही तो काम है जो दिख रहा है, ऊपर चलेंगे, ऊपर ये देख लो, ये फ्रंट देख लो भाई आप इस मकान का, चले जाओ साहब ऊपर चलते हैं। अभी तो ये यू कमरा रह रहा है, नहीं यू रह रहा, दोनों तीन है, हाँ जी, दो कमरे अच्छे हॉल है ठीक। ये देख लो भाई ये आ गया, ये लैट्रिन बाथरूम अटैच है। हाँ, ये लैट्रिन बाथरूम अटैच है। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना, इस मकान में, इस घर में 50 लाख लगे होंगे या नहीं, ठीक है, आप बताना। ये देख लो, ये बेड है, ये एसी, ये बिस्तरी बनाई सेफ है, और ये देख लो, बहुत ही बेहतरीन घर है भाइयों। आपको ऐसे लगेगा ही नहीं आप गांव में हैं, ऐसे लगेगा ही मतलब 5-स्टार होटल में हैं आप बिल्कुल। ये देख लो, ये देख लो, ये ऊपर से आप देख लो, ये देख लो जी, ये अटैच लैट्रिन, ये इनका बाथरूम है, लैट्रिन बाथरूम अटैच, आजकल अटैच ही चल रहा है ठीक है, बिल्कुल अपना सेपरेट मामला। चले चौधरी साहब ऊपर चलते हैं, बहू कैसी लगी, विदेशी बोल, हिंदी बोल ले? हाँ जी बोल रहे। गई नहीं आप कभी वहाँ जॉर्जिया? नहीं अभी नहीं गई, कब जाओगे? बनाऊंगी जी, बनाऊंगा, पासपोर्ट बनवाऊंगी। अच्छा, पासपोर्ट बनवाऊंगी, चलिए बढ़िया है, पासपोर्ट बनवा। और अब तो आप दादी बनने वाली कुछ दिनों में? मैं पहले बनूंगी। अच्छा अच्छा, अच्छा एक है अभी राहुल के, दूसरा। चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, आपके परिवार से मिलकर बहुत बढ़िया लगा। चलिए चौधरी साहब अब ऊपर चलते हैं, गजब परिवार ठीक है। और ये आ गए हम ऊपर ठीक है, और यहाँ से दिखता है ये छोटा सा गांव, क्या नाम, छोटा सा गांव सगरुल्लापुरी, ये देख लो। और अब मैं तुम्हें घर गिना दूं, कभी आप ये बोलो विकार भाई ने ऐसे ही बता दिया दुनिया का सबसे छोटा गांव। एक बच्चे नारे हो गए, जहाँ जितने घर हैं वैसे 4 ही घर थे। ये देख लो जो चौधरी साहब बता रहे, 4 ही घर हैं, ये देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये लड़का के लड़के नारे हो गए ना उनके घर हो गए। ये देख लो 7-8 घर ही हैं भाई, ये देख लो, बहुत ही बढ़िया। वो मंदिर है सामने। अच्छा, वो मंदिर है वो सामने, सारा बिल्डिंग वो व्हाइट कलर का मंदिर है, सब मंदिर। वो मंदिर है भाई, बहुत बड़ा रंग हो रहा है, ये भी सारा मंदिर ही है। अच्छा अच्छा, मंदिर सब पीला कलर हो रहा है, सब मंदिर। चलिए बहुत ही बेहतर, ये गेट खेत में लगा रखा जाने के लिए। अच्छा, गेट लगा रखा, खेत में चले जाओ इधर से, पानी तो है नहीं इसमें, पानी इसका खत्म कर रहे हैं, निकाल दें। अच्छा, पाइप नीचे जा रहा है, सारा गली में निकल रहा है पाइप। अच्छा चलिए बढ़िया, देख लो जी, जब नहावे इसे भर दें, ये समरसेबल लगवा रखा, ये चला के इसे भर दें। ये हमारे किसान भाई का स्विमिंग पूल है ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ से पूरा मकान ऐसा दिखाई देता है, आप देख लो, इधर से मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये देख लो ऐसा दिखाई देता है भाइयों। चलिए, और ये इनका जो एरिया है, ये है पशु का, यहाँ रहते हैं इनके पशु, ये गाय हैं। लिम्पी विम्पी तो नहीं आया है? लिम्पी नहीं आया, छोटा सा गाँव, कहाँ होगा लिम्पी यहाँ।
इनका पशुधन देख लो, तोते ये तोता पाल रखा। हाँ जी तोता पाल रखा है। किन्हें शौक है इसका तोते का? मुझे शौक है जी तोतों का, इन जानवरों का पालने का बहुत ज्यादा। अच्छे तोता है। हाँ ये कहाँ जाएंगे जब आप पढ़ोगे, जब भी तो काम चलेगा इनका। ये देख लो जी इनका तोता है, बहुत ही बढ़िया। और ये क्या बोल रही है, बत्तख? ये अच्छे बत्तख भी है। ये देख लो ये बत्तख जी इनकी। अच्छा बुला रही बहुत ही बढ़िया। तकड़ी बोल रही पूरी। हाँ जी अपराधी खा ले, बड़ा नहीं देती जी। काट ले। हाँ जी अगर कोई आवे को हम पता चल जा। अच्छा। काट ले जो कोई आवे। अरे चुप कर है। हट हट। देखो जी ये पाल रखी चौधरी साहब ने, और वो डोगी अपना। हाँ जी। नहीं रहने दो, कोई काट कूट ला दे, उधर भी बैठ के बात करेंगे। अजी रहने दो, मैं रिश्ते लेता नहीं। आ जाओ आप इधर को आ जाओ भाई। हम चौधरी साहब के दूसरे मकान में जो कि सरसावा में है, ठीक है जी। ये देख लो ये बनाया है इन्होंने 200 गज में। 200 गज में है ना सर? चलो ये देख लो भाई, ये मैंने सोचा आपको दूसरा मकान भी इनका दिखा दूँ। ये भी बेस्ट ही बना है, ये देख लो। ये सरसावा में है इनका मकान, ठीक है जी। ये देख लो ये भी बढ़िया ही बना रखा पूरा। यहाँ कौन कौन रहे? अच्छा बस छोटी घर वाली रहे, ठीक है। चलो ये देख लो भैया, ये इनका यहाँ का मकान है, बहुत बढ़िया जी। आ जाओ और ये देख लो, ठीक है। किचन है। अच्छा किचन है। चलो रहने दो, बंद ही रहने दो, कोई नहीं, ठीक है। ये देख लो आप, यहाँ पर ओपन किचन है, ठीक है जी। बालेश। क्या जी? बालेश। बालेश जी। अच्छा राहुल कैसा है लड़का है? पूरा मतलब नक्शा ही बदल दिया राहुल ने आपका। हाँ। कैसा लगता है? अच्छा लगे। अच्छा लगे। हाँ। अच्छा और कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगी? अपने बच्चों को मतलब कैसे मेंटेन करें, कैसे संस्कार कैसे दें जी? बस जी ठीक है। अच्छा याद नहीं आती, इतना दूर रहता है आपका बच्चा? आती तो है। आओ फिर कैसे करो, क्या गए हो कभी उधर गए हो? ना अब तक तो गए नहीं। अच्छा या बेबा अपने बच्चे की याद तो आती है सबको? हाँ याद तो होता है। अच्छा जी चलिए ठीक है। जो इनका किचन है ना, ऐसा किचन आपने नहीं देखा होगा, ये बिल्कुल जॉर्जिया का नक्शा है, ठीक है। ये देख लो आंटी जी यहाँ पर चाय बना रही है, तो हमारे लिए है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये देख लो, और ये यहाँ पर जो पैटर्न है जॉर्जिया का पैटर्न है, ठीक है। यहाँ आप खाना बनाओ, और ये देख लो आप इसके नीचे देख लो, ये देख लो मॉडुलर किचन। आप ये पूरा बाहर निकल आएंगे भाई साहब, ये देख लो सब सारे बाहर निकल आएंगे सारे, ठीक है। और ये जो आप पैटर्न देख सकते हैं, यहाँ अपना खाना बनाओ, यहाँ पर खाना बनाओ, यहाँ पर रखो और खा लो, ठीक है। यहाँ डाइनिंग टेबल डल जाएगी, और अभी यहाँ काम चल रहा है, ये ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ इसमें लाइट लग जाएगी। ये पूरा जॉर्जिया के हिसाब से बनाया गया है। बेहतरीन जी, बढ़िया बात में। अच्छा बोलिए। हाँ भी बढ़िया बना रखा, ठीक है। अंदर आ जाने कोई? ना 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 कोई नहीं, अंदर चलो। ये देख लो भाई ये बाथरूम है इनका, लाइट जला लो, लाइट। ये है बहुत ही बढ़िया बना रखा। ये वाल पेपर है जी क्या? नहीं टाइल है। ये टाइल है, देख लो कितना बढ़िया बना रखा। ये देख लो भाई, अगर किसी को अपना अटैच बाथरूम बनवाना है तो इससे बेहतर नहीं मिलेगा आपको कहीं, देख लो। और ये लग रहा है पूरा छज्जा लगा रखा पूरा, देख लो बहुत ही बढ़िया। और ये है पेरीवियर का, ठीक है जी। ये देख लो, और ये सब राहुल भाई की देन से है, ये आप देख सकते हैं। ये देख लो कितना बेहतरीन टाइल है, ये चमक मार रही है जी स्टाइल में, देख लो आप गजब। और नीचे देख लो, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए ये कमरा हम आपको दिखा देते हैं, ये देख लो कितना बेहतरीन, ये वुड वर्क है यहाँ पर,
ये अगर आप देखेंगे ये देख लो, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया, ये देख लो गजब। आदि आप बात करते हैं इनसे थोड़ी बैठ के। चौधरी साहब आपका संपन्न परिवार है, संस्कारी परिवार है, आपने काफी कुछ हासिल किया है, बच्चों की शादी कर ली, ये जो सब कुछ किया है इसको, ये इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? राहुल को देना चाहेंगे, राहुल ने करा सारा, जो आपका लड़का है, लड़का है जी, जॉर्जिया में रहता है, उसने करा सारा। कैसे किया शुरू से बताओ? हमने तो पढ़ा लिखा कर कामयाब कर दिया। कितना पढ़ाया, कितनी एजुकेशन है? एमबीए करवाई थी देहरादून ओनजीसी में, पेंटोलम यूनिवर्सिटी में। अच्छा अच्छा। और तो वहाँ से फिर वो विदेश चला गया। जॉर्जिया कैसे जाना हुआ? वो उन्होंने बोला वहाँ से, जब बच्चों के लास्ट साल रह जा, वहाँ से बच्चों को लेने के लिए आ जा। अच्छा अच्छा। तो वो फिट कर लिया, लेते गए। अच्छा, शादी भी वहीं कर ली? शादी जॉर्जिया में कर लिया, एक बच्चा है, दूसरा बच्चा होने वाला है। अब तो नागरिक हो गए वहाँ के? हाँ जी नागरिक। अच्छा, अगर बिजनेस की बात करें, यहाँ तो आपकी खेती है, हाँ, वहाँ राहुल चौधरी का क्या बिजनेस है? वहाँ राहुल का ये होटल है। अच्छा। केफा है। अच्छा। और जी एक अच्छा ट्रांसपोर्ट का काम है? हाँ जी ट्रांसपोर्ट का काम है, बिल्डिंग का जी, खेती भी करवा हुआ ठेके पे लेकर, अपनी उसमें सर्विस करा है। वो क्या है, शेयर बाजार के बैंक में सर्विस करे, शेयर मार्केट में। हाँ शेयर मार्केट पे सर्विस करे। अच्छा, कभी जाना हुआ? अब जाएंगे, अब बहू का बच्चा होने वाला, अब जहाँ थे। अच्छा। अब वो वीजा नहीं लगेगा, दिसंबर में वीजा लगेगा, दिसंबर में जाया जाएगा। अच्छा अच्छा। चौधरी साहब आप हमें एक बात बताओ जी, जब आपका लड़का, आपकी बहू, आधे ज्यादा परिवार तो आपका जॉर्जिया में रहता है, विदेश जी, में जी, तो यहाँ करोड़ों रुपए लगाने की क्या जरूरत थी? अपनी जमीन वगैरह बेच बाच के आप भी उधर ही निकल लेते? उसे अपने गांव से बड़ा लगाव है, बड़ा प्यार है। अच्छा। और जी उसने कहा, जब पापा आपने पढ़ाया लिखा तो आप भी जिंदगी ऐसा आराम से रहो जियो, और जी अपने हर चीज गाँव में बढ़ानी चाहिए, गाँव से ज्यादा लगाव है उसे, गाँव से ज्यादा लगाव है। अरे चौधरी साहब बात करें, बिरादरी कौन सी अपनी? जाट है। जाट गोत? सीमार कालियर है हमारा। सीमार कालियर जी। अच्छा, तो ये आपका ही गांव है मतलब बड़ोगा? हाँ जी, मेरे पड़बाबा आए थे यहाँ। अच्छा, आपके पड़बाबा आए थे? तो आगे उनके चार लड़के हुए, चार लड़कों की औलाद है बस यार। अच्छा, अब हमें आप ये बताओ, किसान का बच्चा कैसे कामयाब हो, क्या वो टेक्निक है जिससे कामयाब हो जाए? सबसे बड़ी टेक्निक यही है, जो पढ़ लिख के शिक्षित हो जाएगा, वो सर्विस करेगा, जॉब करेगा, तो अपने आप ही तो शिक्षा शिक्षक हो जाएगा, शिक्षा पढ़ लिखेगा जब। अच्छा। जब पढ़ ले लिखेगा नहीं तो कहाँ से हो जाएगा, खेती में तो रुड़कर मर जाएगा जी, पूरा बिल पटना। अच्छा अच्छा। चौधरी साहब आप हमें एक बात बताओ जी, खासकर थोड़ा सा आप जाट बिरादरी से, ऐसा देखा गया है इस बिरादरी में बच्चों की संख्या कम रखती है, आप ज्यादा समझदार है, आप बताइए। बच्चे दो होने चाहिए जरूरी। अच्छा, आपके चार हैं? चार है, चार, तीन लड़की एक लड़का है। कोई दिक्कत नहीं आई? पढ़ा दी लिखा दी, अच्छे घरों में ब्याह दी। अच्छा, 25 बीघे से कर दिया इतना काम? सर्विस भी करी, 25 बीघे में खेती भी करी, सारे काम करे। अच्छा। सरसा में मकान भी बनाया, कोठी बनाई, दुकान भी बनाई, सारे काम करे जी। और जी मैं तो जाटों से कहना चाहूंगा कि दो बच्चे जरूर होने चाहिए, एक लड़का एक लड़की या दो लड़के हो, उन्हें शिक्षित करो, पढ़ाओ लिखाओ। दो तो होने चाहिए, दो जरूरी होने। और दो लड़की हो जाए फिर क्या करें? फिर एक लड़का तो जरूरी है, देखो लड़की तो ससुराल चली जा, कहने के लिए तो कह दो लोग बाग जी लड़कियां हैं ऐसे लड़के, पर लड़की तो मजबूर हो जाए ससुराल जाकर। ऐसा लड़का जरूरी? जरूरी है जी, क्यों लड़कियां को अपने माँ बाप का बहुत ज्यादा रहे, पर दूसरे घर जाकर क्या पता क्या माहौल हो जाए, लड़की परेशान रहो जाए अपने माँ बाप की वजह से, दुख सुख में बाजे आने नहीं देते। मतलब भाई भाई भी चाहिए और मतलब एक वारिस होना चाहिए। लड़कियों को भाई भी चाहिए, तीज त्योहार भी चाहिए, माँ बाप बुढ़े होकर मर जाए फिर लड़कियों का तीज त्योहार सब कुछ खत्म हो जाए। सही बात है, भात दाल खत्म हो जाए और फिर वो कहीं ना कहीं मतलब लालच की भावना भी परिवार में आ जाती है। जाती है को भाई हम लेंगे जमीन, हमें देंगे, जिंदगी बरान सी रहे बस। ये झंझट खत्म कर दे, एक लड़का है अपने पास, झंझट खत्म है, झंझट खत्म है जी, एक लड़का, तीन लड़कियां, चारों बच्चे संपन्न है, और छोटी लड़की आएंगे करो जी, छोटी लड़की छोटा जमाई है मेरे। अच्छा अच्छा, चलिए ओमपाल जी आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी, अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।